केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए आम बजट पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए गोरखपुर विश्वविद्यालय वाणिज्य विभाग के सेवानिवृत्त प्रोफेसर गोपीनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बजट एक उन्नतशील एवं रचनात्मक बजट है, जिसमें असंगठित क्षेत्र के मजदूरों एवं छोटे दुकानदारों को पेंशन की सुविधा, देश के विकास में महिलाओं के योगदान को बढ़ाने, आधारभूत सुविधाओं का विस्तार करने सहित उद्योग को लगाने में की प्रेरणा देने वाला है। शहर के वरिष्ठ व्यापारी नेता प्रमोद टेकड़ीवाल ने बजट पर सदी हुई प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बजट में जवान से लेकर किसान तक, युवा से लेकर वृद्ध तक ख्याल रखा गया है। बजट पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन के मंत्री अजय कुमार शुक्ला ने कहा कि पहली बार किसी महिला वित्त मंत्री द्वारा पेश किया गया बजट समानांतर मूल्यों पर आधारित है। बजट के सभी वर्गों के लोगों का ध्यान रखा गया है। घर का बजट संभालने वाली गृहिणियों ने बजट पर कहा कि ये बजट से खुशी भी है और निराशा भी। उम्मीद थी कि बजट में महिलाओं को कुछ ज़्यादा मिलेगा। बजट पर समाजवादी पार्टी के महानगर अध्यक्ष जियाउल इस्लाम ने निशाना साधते हुए कहा कि मोदी सरकार का ये बजट महज जुमला ही साबित है, जो सिर्फ कागजों तक सीमित है। इस बजट से देश निराश है। जबकि अपनी प्रतिक्रिया में भाजपा के महानगर अध्यक्ष राहुल श्रीवास्तव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने गाँव, गरीब और किसान को ध्यान में रखकर बजट पेश किया है, जो काफ़ी सराहनीय है। केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए बजट पर गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए प्रोफेसर गोपीनाथ, अधिवक्ता अजय शुक्ला, वरिष्ठ व्यापारी नेता प्रमोद टेकड़ीवाल, गिरिडीह अंजू श्रीवास्तव, चारू चौधरी, सपा के महानगर अध्यक्ष जियाउल इस्लाम, भाजपा के महानगर अध्यक्ष राहुल श्रीवास्तव ने कहा। प्रोफेसर गोपीनाथ, अवकाश प्राप्त अध्यापक वाणिज्य विभाग, दीनदयाल उपाध्याय गौरव विद्यालय गोरखपुर। केंद्र सरकार द्वारा जो बजट प्रस्तुत किया गया है वो बहुत ही सराहनीय है, क्योंकि मेरे दृष्टिकोण से यह बजट एक प्रगतिशील एवं रचनात्मक बजट है। यह बजट मुख्य रूप से गांव, गरीब और किसान पर केंद्रित रहा है। अगर गांव की बात किया जाए तो इस सरकार ने गांव के विकास के लिए अनेक कदम उठाए हैं, जैसे उज्ज्वला योजना, सौभाग्य योजना, गैस योजना और अंत्योदय योजना जैसी सुविधाएं दिया है। अभी तक जो सरकार का लक्ष्य था कि बिजली को गांव तक पहुंचाना, अब सरकार उस बिजली को गांव से घर तक पहुंचाने की बात करती है। आप ये जानते हैं या हम सभी लोग ये जानते हैं कि यदि गांव है तो देश है, और देश का विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक कि गांव का विकास ना हो पाए। क्योंकि जो कुछ भी हम ग्रहण करते हैं, जिससे हमारा जीवन चलता है, वह सब गांव से ही आपूर्ति होती है। अतः इसलिए गांव का उत्पादन, जैसे मोदी जी ने कहा कि हम गांव के किसानों की आय को दोगुना करना चाहते हैं, तो गांव के किसानों की आय को दोगुना करने के लिए यह आवश्यक है कि गांव में सिंचाई इत्यादि की सुविधाएँ विकसित किया जाए। इस उद्देश्य से इस मोदी सरकार ने एक जल शक्ति संसाधन मंत्रालय की स्थापना किया है, जिसका मूल उद्देश्य गांव तक जल की सुविधाओं की आपूर्ति करना, ताकि हर गांव को पेयजल की सुविधा मिल जाए और सिंचाई की सुविधाएं प्राप्त हो जाए। जहां तक गरीब की बात है, तो गरीब वर्गों के विकास के लिए, आर्थिक विकास के लिए इस सरकार ने भी पहली बार एक कदम उठाया है कि जो असंगठित क्षेत्र के जो मजदूर हैं, जो अपना रोजी रोटी किसी तरह से कमाते हैं, उन मजदूरों के लिए भारत सरकार ने पहली बार 3,000 रुपये प्रति माह का पेंशन का प्रस्ताव दिया है, जो अत्यंत ही सराहनीय है। इस 3,000 से वो अपना जीविकोपार्जन चला सकते हैं। इसके साथ ही साथ जो छोटे व्यापारी हैं, जिनकी बिक्री वार्षिक 1.5 करोड़ रुपये से कम है और जो GST में रजिस्टर्ड है, उनके लिए पेंशन की सुविधा प्रदान किया है इस प्रकार से। और इसके लिए उनको अभी से उस पेंशन योजना में शामिल होना पड़ेगा, और 60 वर्ष की जब उम्र उनकी होगी, उसके पश्चात उनको जब वो किसी काम के लायक नहीं होंगे, तो उनको सरकार पेंशन की सुविधा प्रदान करेगी। रही बात किसान की, तो किसानों के विकास के लिए भारत सरकार ने पुनः जो है उनके धान के जो सपोर्ट प्राइस है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, उसमें बढ़ोतरी किया है और किसानों के लिए अनेक प्रकार की योजनाएं चलाई हैं। इसके साथ ही साथ ग्रामीण महिलाओं में जो को सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा जो महिलाएं अपना स्वयं ग्रामीण महिलाएं जो सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा काम करती हैं, उन महिलाओं को 1 करोड़ रुपये तक का लोन
बिना किसी सिक्योरिटी के प्रदान करेगी, और उस सेल्फ हेल्प ग्रुप में जो एक महिला होगी उसको भी जो है सरकार लोन प्रदान करेगी जिससे कि वो अपना स्वयं का रोजगार स्थापित कर सके। इसके साथ ही साथ जो आपके विद्यार्थी वर्ग है उस विद्यार्थी वर्ग के लिए भी सरकार ने कुछ सुविधाएं की घोषणा किया है, जैसे स्टडी इन इंडिया कि भारत में लोग यहाँ से बाहर पढ़ने ना जाएं बल्कि भारत में पढ़ें स्टडी इन इंडिया। इसके लिए भारत सरकार ने 3 IITs की स्थापना करने की बात की है जो विश्व स्तर के होंगे, जो कि हमारे 200 जो बड़े संस्थाएं हैं वो उनमें शामिल होंगी और वो रिसर्च और डेवलपमेंट का काम IIT और IIM दोनों मिल करके देश में शोध कार्य को संपादित करेंगे। इसके साथ ही साथ स्टार्टअप रोजगार प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने एक स्टार्टअप योजना लागू किया है, जिसमें यदि कोई व्यक्ति स्टार्टअप योजना के अंतर्गत अपने उद्योग धंधों की स्थापना करता है तो उसको उसकी जो है इनकम टैक्स विभाग द्वारा कोई भी जांच नहीं की जाएगी और ऐसे उद्यमियों को भारत सरकार आवश्यक मात्रा में ऋण प्रदान करने की भी सुविधा दे रही है। इसके साथ ही साथ एक भारत सरकार ने एक और अच्छा कदम उठाया है, वह है सोशल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना, जिसमें जो सामाजिक उद्यमी हैं वो उद्यमी सोशल इंटरप्राइज और जो वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन है, ये दो ऑर्गेनाइजेशन यदि अपना उद्योग धंधा स्थापित करना चाहते हैं, सेवा के क्षेत्र में काम करते हैं तो उनको पूंजी की कमी होती है, तो पूंजी कैसे प्राप्त करें, तो इसके लिए सोशल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की गई, जिसके माध्यम से अब जो है सोशल इंटरप्राइज या सोशल और वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन वो सब अपना पूंजी, वह जैसे कंपनियां स्टॉक एक्सचेंज से अपनी पूंजी एकत्रित करती हैं, ठीक उसी प्रकार से ये संस्थाएँ वो सोशल स्टॉक एक्सचेंज से अपनी पूंजी इकट्ठा कर लेंगी। इसके साथ ही साथ स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने एक अलग से टीवी चैनल स्थापित करने का सुझाव दिया है, जो केवल देश में नए नए रोजगार की स्थापना कैसे किया जाए, स्किल इंडिया कैसे बनाया जाए, वह चैनल केवल स्टार्टअप पर के संबंध में ही आवश्यक चर्चा करेगी, जिससे कि जो हमारे युवा वर्ग हैं जो उद्योग स्थापित करना चाहते हैं वह जो है उस स्टार्टअप के चैनल के माध्यम से उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, उनको कैसे स्थापित करना है, किससे परामर्श लेना है, कैसे उनको लोन की सुविधा मिलेगी, ये सभी बातें उस चैनल के माध्यम से बताई जाएंगी जिससे कि लोग रोज़गार स्थापित कर सकें। हमारे यहाँ एक भ्रांति है कि जब कोई सरकार कहती है कि हम युवाओं को रोज़गार देंगे तो हमारा युवा वर्ग उस रोज़गार को नौकरी के दृष्टिकोण से, ताकि हमको नौकरी मिल जाएगी, तो सरकार नौकरी नहीं रोज़गार के अवसर पैदा करेगी, उस अवसर का लाभ हमारे नए उद्यमी युवा वर्ग को उठाना पड़ेगा जिससे उनको काफ़ी लाभ होगा। इस बजट की एक मुख्य विशेषता और है कि देश में प्रदूषण को कम करने के लिए भारत सरकार ने जो इलेक्ट्रिक वाहन हैं उन पर GST की दर घटा करके 5% कर दिया है, न केवल 5% कर दिया बल्कि साथ ही साथ पेट्रोल और डीजल पर 1 रुपये का सेस लगा दिया है, ताकि लोग अब पेट्रोल और डीजल गाड़ियों का कम से कम उपयोग करें और इलेक्ट्रिक वाहन का प्रयोग अधिक से अधिक करें, जिससे कि प्रदूषण से मुक्ति प्राप्त हो जाए और लोगों को रोज़गार के अवसर उपलब्ध हो। इसका साथ ही साथ विकास का, जैसा कि हम जानते हैं कि बगैर उद्योगों उद्योग के विकास संभव नहीं है, जब सरकार आर्थिक वृद्धि दर की बात करती है तो इसका अर्थ होता है कि उसमें निश्चित रूप से उद्योगपतियों का सहयोग अत्यंत आवश्यक है, बिना उद्योगपति के सहयोग के देश की अर्थव्यवस्था $1 ट्रिलियन इकॉनमी नहीं हो सकती है, इसलिए भारत सरकार ने इस बजट में उद्योगों को भी कुछ राहत प्रदान किया है, जैसे अब तक जो 250 करोड़ रुपये तक के टर्नओवर पर जिन उद्योगियों को 25% का टैक्स देना पड़ता था अब उसकी सीमा बढ़ा करके 400 करोड़ रुपए तक कर दी गई है, अर्थात ऐसी कंपनियां जिनका एनुअल टर्नओवर 400 करोड़ रुपया है अब वो भी 25% के टैक्स के दायरे में आ जाएंगी, अर्थात वो देश के आर्थिक विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान कर सकने में सक्षम होगी। वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण का यह पहला बजट था और उम्मीदें बहुत ज़्यादा थी,
मध्यम वर्ग को तो उन्होंने ना उनसे कुछ दिया ना कुछ लिया, मध्यम वर्ग बहुत उम्मीद कर रहा था। हाँ, एक रुपये पेट्रोल और डीजल का दाम उनके ऊपर अतिरिक्त भार पड़ा है, लेकिन छोटे तबकों के लिए यह बजट अच्छा था। कुल मिला के बजट सामान्य था और इस बजट का हम स्वागत करते हैं। वैसे उम्मीद करते थे पेट्रोल डीजल का दाम कुछ कम होगा, क्योंकि पहले ही सरकार ने कई स्टेजेस पे इस पे जो है दाम बढ़ाए थे। हमारे आसपास के देशों में क्रूड ऑयल के प्रोपोर्शनेट भी पेट्रोल और डीजल के रेट कम हैं, हमारे देश में रेट दाम पहले ही था, तो मध्यम वर्ग पे इसका जो है बड़ा बोझ पड़ेगा, ख़ास तौर से टू व्हीलर स्कूटर चलाने वाले या और भी जो लोअर मीडियम क्लास है। पेट्रोल डीजल का दाम वो उम्मीद करते थे उससे कुछ राहत मिलेगा, लेकिन राहत नहीं मिला और बढ़ा दिया है। हाँ, इन्होंने जो 45 लाख के अंदर के अफोर्डेबल हाउस पे लोन पे 2 लाख की जगह 3.5 लाख तक का ब्याज कर मुक्त किया है, वह स्वागत योग्य कदम है। इससे आवास की समस्या का थोड़ा समाधान होगा। कुल मिला के बजट औसत है, अच्छा है, इसका हम स्वागत करते हैं। सर, बिजनेस क्लास के लिए बजट सामान्य है, इसमें कुछ भी ऐसा कोई बदलाव नहीं आया है, तो व्यापारी वर्ग के लिए भी ठीक ही है। इन्होंने जो कहा कि छोटे दुकानदारों को 59 मिनट के अंदर ऋण माफ़ तो उनको ऋण स्वीकृत होगा, ये बहुत अच्छा कदम है। यदि ऐसा होता हो तो हम इसका स्वागत करते हैं, छोटे व्यापारियों को बैंक से लोन में आसानी होगी, ये एक बहुत अच्छा कदम है। मैं बार एसोसिएशन सिविल कोर्ट का महामंत्री अजय कुमार शुक्ला हूँ। केंद्र सरकार का जो चुनाव बाद ये इस सरकार का पहला बजट है, इसमें हमारी इस देश के 125 करोड़ जनसंख्या को, जनता को बहुत अपेक्षाएं थी, उसी के अनुरूप हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उनकी वित्त मंत्री माननीय निर्मला सीतारमण जी है ना, निर्मला सीतारमण जी द्वारा एक महिला के रूप में पहला बजट पेश किया गया, जो हमको लगता है एक इस पूरे हमारे भारत के इतिहास में बजट के क्रम में एक स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। इस बजट के देखने के बाद यह पता होता है कि सरकार ने किसानों को, गरीबों को हर क्षेत्र में न्याय दिलाने का, जैसे बिजली जैसी आधारभूत सुविधाएं, शौचालय जैसी आधारभूत सुविधाएं, किसानों को जो उनकी ज़रूरत की आधारभूत सूचनाएं आवश्यकताएं हैं उसको उपलब्ध कराने का कार्य किया है, ये निश्चित तौर पर काफ़ी ही सराहनीय है। जो हमारे यहाँ बहुत ही हमारी जनता के लिए और हमारे देश के लोगों के लिए एक आवास की समस्या और जो वर्तमान में पर्यावरण और जल की समस्या है उसको भी उन्होंने कहीं ना कहीं उसी क्रम में जोड़ने का और प्रोत्साहित करने का और संरक्षित करने का और बचाने का कार्य किया है। निश्चित ही उनकी इस समस्त व्यापक दृष्टिकोण को देखते हुए उनकी सराहना की जानी चाहिए। और उसी के साथ यह भी जोड़ना चाहता हूँ कि हमारे अधिवक्ता बंधु भी इसी समाज से आते हैं और मैं भी उसी अधिवक्ता समाज का ही एक प्रहरी हूँ, उनके लिए भी उनको मैं इस बजट के माध्यम से और आपके माध्यम से यह मांग करना चाहता हूं कि हमारी एक बहुत प्रशिक्षित मांग है कि हमें भी, हम अधिवक्ता बंधुओं को तहसील और जिले स्तर पर आयुष्मान भारत योजना के साथ जोड़ते हुए जिले स्तर पर उनके मूलभूत पेशागत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु बजट में कुछ कार्य नहीं किया जा गया है, उन्हें करने कि हम लोग अपेक्षा करते हैं। यदि करते हैं तो हम उनकी भूर भूर प्रशंसा करेंगे और भविष्य में उनका सहयोग देने का कार्य करेंगे। इसी के संदर्भ में और भी मैं चाहता हूं कि यथाशीघ्र हम अधिवक्ताओं की इन मांगों को भी समाहित करने का कार्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद जी। मेरा नाम मंजू श्रीवास्तव है।
आज जो बजट पेश किया गया है, मेरे ख्याल से एक महिला गृह मंत्री ने जो बजट रखा है उनको ये चीज़ ध्यान में रखना चाहिए कि जो हम मध्यम वर्गीय महिलाएं हैं उनका अगर उन किसी भी चीज़ की मांग बढ़ती है तभी जब उसका बजट उसका दाम कम हो और हम उसको सही तरीके से इस्तेमाल कर सकें। और मैं इस बजट से बिल्कुल खुश नहीं हूँ क्योंकि मध्यम वर्गीय परिवार शायद बहुत ज़्यादा सर्वाइव करता है और वो इस चीज़ तक पहुँचने में बहुत मुश्किलों का सामना कर सकता है। चारू चौधरी, बजट बहुत अच्छा आया है, हर हर वर्ग को इससे फ़ायदा मिलेगा, मिडिल क्लास, रिच क्लास, नीचे, सबको, सबके लिए संतुष्ट पूर्ण बजट है। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है क्योंकि गरीब महिलाओं जिन पे घर नहीं थे, जिनके यहाँ बिजली नहीं थी, जिनके यहाँ टॉयलेट्स नहीं थे, उन सबको बहुत फ़ायदा मिला है और महिलाएं इससे बहुत खुश भी हैं। आज मोदी सरकार ने जो बजट पेश किया है वो पूरी तरह से फेल है। ये बजट महंगाई को न्योता देने वाला काम है। 2.50 रुपया या 2.30 रुपया जो है डीजल और पेट्रोल के दाम पर नए टैक्स के नाम पर वृद्धि की गई है। जहां तक एक्सपोर्ट का सवाल है, एक्सपोर्ट के नाम पर भी वृद्धि की गई है। और ये बजट ऐसे ही है जैसे पिछली बार उन्होंने कहा था कि हर साल 2 करोड़ लोगों को रोज़गार मिलेगा, 15 लाख रुपया खाते में आएगा। ये ज़मीन पर उतारने वाला बजट नहीं है, केवल कागज का बजट है। और इस बजट से बेरोज़गारी बढ़ेगी, इस बजट से महंगाई बढ़ेगी। सरकार ने बजट बनाने में पूरी तरह से फेल हो चुकी है। और महंगाई, क्योंकि जब 2.5 रुपया पेट्रोल का दाम बढ़ेगा तो निश्चित तौर से हर सामानों में वृद्धि होगी, इसलिए बजट की हम लोग निंदा करते हैं और ये बजट पूरी तरह से सरकार के फेल है। आज का ये जो बजट केंद्र सरकार के द्वारा वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने जो पेश किया है, जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री सरदार नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है कि जब उन्होंने सरकार बनने के पश्चात प्रथम पाली में इस बात को कहा था कि हमारे सरकार के मुख्य एजेंडे में गांव, गरीब और किसान होंगे, आज का बजट ये प्रदर्शित करता है कि किस प्रकार जो उनकी सोच है उसको ज़मीनी हकीकत में ले आने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। और 5 साल सरकार पूर्ण होने के पश्चात जो जनता ने उन्हें आशीर्वाद दिया था वह सही साबित हो सके। गांव के लिए उन्होंने, मैं चर्चा करूं कि बिजली के बारे में उनका स्वप्न कि हर गांव पे बिजली पहुंचेगी। अब इस बजट में गांव पे तो बिजली पहुंच गई, जो 3% और बचे हैं वहां पे पहुंचा करके और घरों पे बिजलियां पहुंचनी हैं। सौभाग्य योजना के तहत इसे सभी आच्छादित हुए हैं। गरीबों की बात हम करें तो आप देखिए, इस बजट में जनधन खाते में वह ड्राफ्ट 5,000 रुपये की सुविधा दी गई है। किसानों के लिए बहुत बेहतरीन सुविधा, यानी 87,000 करोड़ रुपए स्थानांतरित किए गए हैं। यानी गांव, गरीब और किसान के साथ साथ सभी वर्गों का विशेष रूप से ध्यान रखा गया है, सभी वर्गों को, कि कहीं से भी किसी प्रकार की पेयजल की भी व्यवस्था, पेयजल की व्यवस्था के लिए, यानी जल पे आप देखिए जल संरक्षण के लिए पूरी योजना सरकार ने बनाई है कि जल की जो स्थिति है, जो वाटर लेवल नीचे भाग रहा है, उसके निमित्त भी हमारी कार्य योजना पूरी तैयार होनी चाहिए। सरकार का भी उस पर, सरकार ने उसे पूरा चिंता मनन किया हुआ है। और पेयजल यानी की व्यवस्था जो शहरों में उपलब्ध है वो गांव में गांव की जनता को भी मिल सके। आज का जो ये बजट है निश्चित तौर पर भारत को न्यू भारत बनाने के लिए आगे कदम बढ़ चुका है। नए भारत का निर्माण के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो हमारी केंद्र की सरकार है वो नए भारत के निर्माण के लिए निश्चित तौर पर जो सतत प्रयत्नशील है वो उसको अमली जामना पहचानने का पूरा कार्य कर रहे हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी महानगर की तरफ से आज के इस बजट के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री सरदार नरेंद्र मोदी जी और देश की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएँ देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।